अगर मैं फिर आपको बात बताऊंगा, जो मुकाशफा है, जो जिंदगी बख्शने वाली बातें हैं, वो सिर्फ खुदा के कलाम में से हैं। मैं अगर जो भी बात कर रहा हूँ वो खुदा के कलाम में से है, खुदा के कलाम के मुताबिक है, तो वो जिंदगी बख्श है। अगर उसमें कोई मेरी आमेजिश है, मेरी दानिश है, या दूसरे तजर्बात या किसी डिनोमिनेशन का इन्फ्लुएंस मैं लेकर बोल रहा हूँ, उनके रस्म व रवाज को, उनकी एक आइडियालॉजी को मैं उस कलाम में बयान कर रहा हूँ, बाइबल की उन आयात को लेकर, उस टॉपिक को लेकर, उस पॉइंट को लेकर, तो मैं जिंदगी नहीं बल्कि एक बिद्दत को जन्म दे रहा हूँ, एक ऐसी तालीम को जन्म दे रहा हूँ, एक ऐसी तालीम को फैला रहा हूँ जो खुदा के कलाम के मुताबिक तो नहीं है, जो जिंदगी बख्श तो नहीं है, मगर उन जिंदगियों में ठहराव का बायस बन सकती है, उन जिंदगियों में लानत का बायस बन सकती है, उन जिंदगियों में बेरा रवि का बायस बन सकती है। सो हमेशा खुदा के कलाम को फोकस रखें, खुद खुदा के कलाम को पढ़ें, ताकि आप बोलने वालों को, जिनको आप सुन रहे हैं, आप एग्जामिन कर सकें कि आया वो खुदा के कलाम में से बोल रहे हैं या खुदा के कलाम में से हट कर बोल रहे हैं।